अगर देखोगे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो इसमें बेसिकली अगर क्या कह रहे हैं कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, जिसके पास डायमेंशन नाम की चीज़ ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एंगल, अगर ये आर्क है और ये थीटा है और ये रेडियस है, तो एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। ठीक है, आर्क अपन रेडियस, तो आर्क लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। बस इसके पास एसआई यूनिट तो होती है ना भाई, एंगल के पास एसआई यूनिट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसआई यूनिट रेडियन है। तो अगर एसआई यूनिट रेडियन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट। ठीक है, मतलब यूनिट हो भी सकता नहीं भी हो सकता यार। जैसे स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन एक डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, तो ये क्या है, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, डायमेंशनल लेस है और ये आल्सो यूनिट लेस भी है, यूनिट लेस। तो इसके पास यूनिट नाम की चीज़ ही नहीं है, तो यूनिट हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। दैट इज सी ऑप्शन, इसमें सही है, क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।